आज हम पढ़ेंगे विद्युत धारा का अगला टॉपिक। चलिए अगला टॉपिक क्या है देखते हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक है गतिशीलता, मोबिलिटी। ठीक है, तो मोबिलिटी या फिर गतिशीलता क्या होती है ये देखते हैं। प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र में अनुगमन वेग के परिमाण को आवेश वाहक की गतिशीलता कहते हैं। मीन्स प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र, मीन्स हर एक यूनिट, यूनिट तो आप लोग जानते ही हो, है ना। आपके सबके घर में बिजली बिल आता है तो बोलते हैं ये इतना यूनिट आया है, इतना यूनिट आया है, तो उसी को बोला है कि प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र। ठीक है, प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र में जो अनुगमन वेग का जो परिमाण का जो आवेश वाहक की जो है वो क्या कहलाएगी, गतिशीलता कहलाएगी। मीन्स प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र में अनुगमन वेग के परिमाण को आवेश वाहक की क्या कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं। अब आवेश वाहक क्या होता है, आवेश वाहक मीन्स आवेश को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने वाले को क्या कहते हैं, आवेश वाहक कहते हैं। अब आवेश वाहक कितने प्रकार का होता है, अब देखो आवेश वाहक जो है वो पदार्थ की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है कि हम लोग को कैसे पदार्थ में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाना है। ठीक है, जैसे कि अगर कोई यदि कोई धात्विक चालक है तो धात्विक चालक का जो आवेश वाहक होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। अगर कोई अर्ध चालक है जैसे कि ट्रांजिस्टर है, डायोड है, तो उसमें क्या होगा, आवेश वाहक वहां पे, क्योंकि अर्ध चालक में इलेक्ट्रॉन और होल दोनों यूज होते हैं। ठीक है, तो वहां के लिए आवेश वाहक होगा इलेक्ट्रॉन और होल। इस प्रकार क्या है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है कि उसमें आवेश वाहक क्या होंगे। ठीक है, समझ आया कि नहीं। मीन्स गतिशीलता क्या कहलाएगी, प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र में अनुगमन वेग का जो परिमाण होगा उसको, उसकी जो आवेश वाहक होगी वो इसकी क्या कहलाएगी, गतिशीलता कहलाएगी। ठीक है, यदि विद्युत क्षेत्र E और अनुगमन वेग VD हो तो यहाँ पे मोबिलिटी मीन्स गतिशीलता को हम लोग प्रदर्शित करते हैं म्यू से, इसको मोबिलिटी बोलते हैं। म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, VD अपॉन E, जहाँ VD क्या है अनुगमन वेग है, E क्या है विद्युत क्षेत्र है। ठीक, अब अनुगमन वेग का परिमाण देखो, यहाँ पे अनुगमन वेग का परिमाण के बारे में बोले हैं। ठीक है, तो अनुगमन वेग का परिमाण क्या होता है, VD इक्वल टू ई टाउ अपॉन एम। अब ई क्या है, ई इलेक्ट्रॉन है, ये जो ई है वो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और ई क्या है, ये ई जो है विद्युत क्षेत्र है, और टी क्या है श्रांति काल है, और एम जो है द्रव्यमान है। ठीक, तो म्यू इक्वल टू हम लोग यहाँ से देखे हैं VD अपॉन ई होता है, तो अगर यहाँ से VD निकाले तो इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, VD इक्वल टू म्यू ई हो जाएगा। अब देखो यहाँ भी VD है, यहाँ भी VD है, मीन्स इसको दोनों को इक्वेशन 1 और 2 मान लिए, तो ये साइड इक्वल है तो ये साइड भी इक्वल ही होगा, तो समीकरण 1 व 2 से म्यू ई इक्वल टू क्या हो गया, ई टाउ अपॉन एम। ठीक है, तो यहाँ से ई से ई कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, म्यू इक्वल टू ई टाउ अपॉन एम। ठीक, समझ आया, यहाँ पे म्यू क्या है, गतिशीलता है। ठीक है, और अनुगमन वेग का जो परिमाण है वो क्या है, VD इक्वल टू क्या होगा, ई टाउ अपॉन एम होता है। ठीक, समझ आया कि नहीं। हम दोनों अब देखो विद्युत धारा और गतिशीलता में क्या संबंध होता है, ठीक ये देखते हैं। तो ये जो है दो टाइप का होता है, एक चालक के लिए निकालेंगे, एक अर्ध चालक के लिए निकालेंगे, मैं अर्ध चालक के लिए बता चुका हूँ। ठीक है, और एक और चैप्टर है हम लोग का जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठोस एवं अर्ध चालक। ठीक है, वो चैप्टर 14 में है, तो उसमें से हर एक बार क्या है 5 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो उसको बाद में देखेंगे, पहले तो यहाँ देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, चालक के लिए। ठीक, तो चालक के लिए हमेशा जो क्या होगा, आवेश वाहक होगा वो क्या होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन, मीन्स यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये आवेश वाहक हो जाता है, मीन्स आवेश चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है। ठीक, तो अब देखो म्यू इक्वल टू VD अपॉन, अब म्यू क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे आवेश वाहक क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या कर दिया, म्यू ई। अब म्यू इक्वल टू क्या होता है, गतिशीलता, म्यू इक्वल टू VD अपॉन, तो म्यू इक्वल टू क्या हो गया, VD अपॉन, तो VD इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू ई इंटू ई हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण जो विद्युत धारा होती है वो हम लोग निकाल चुके हैं धारा और अनुगमन वेग के संबंध में, तो I इक्वल टू क्या होता है, NeaVD होता है। अब देखो VD इक्वल टू क्या आया है, म्यू ई इंटू ई आया है, तो I इक्वल टू NeaE हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दूसरा देखते हैं अर्धचालक के लिए। तो मैं बता चुका हूँ कि अर्धचालक के लिए आवेश वाहक क्या क्या होते हैं,
होल होता है और इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अगर एन टाइप का अर्धचालक है तो उसमें क्या होगा, आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होगा। अगर पी टाइप का अगर क्या है अर्धचालक है तो उसमें क्या होता है, आवेश वाहक होल होता है, ठीक है। एन टाइप के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि पी टाइप के लिए क्या होता है, होल होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज और होल में प्लस चार्ज होता है। इसको डिटेल में हम लोग ठोस एवं अर्धचालक चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। तो अब देखो इसकी गतिशीलता, जो इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता होगी वो क्या होगी, म्यू इक्वल टू वी अपॉन ई हो जाएगा, ठीक है। और तो यहाँ से वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू इंटू ई, ठीक है। वी क्या है, इलेक्ट्रॉन की जो है अनुगमन वेग है, ठीक है। वैसे ही ये यहाँ पे वी एच क्या है, होल का अनुगमन वेग है, और म्यू एच क्या है, जो गतिशीलता है होल की गतिशीलता। तो म्यू एच इक्वल वी एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू एच इंटू ई। अब देखो जो परिमाण होता है धारा, ठीक है, विद्युत धारा, तो वो होता है आई इक्वल आई ई प्लस आई एच। मीन्स ये जो इलेक्ट्रॉन के कारण धारा जो है और होल के कारण जो धारा हुई है, दोनों का जो परिमाण, दोनों का जो एडिशन होता है वो कुल धारा होती है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है, एन ई ए वी डी होता है, ठीक। धारा और अनुगमन वेग में जो संबंध होता है, एन ई ए वी डी होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन ई ए बी ई हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए है, और यहाँ पे पी ई ए बी ई बी एच होता है, ठीक है। पी क्या है, ये होल है, ठीक। और ई ए बी एच क्या है, ये अनुगमन वेग है, किसके लिए, होल के लिए। अब देखो यहाँ से दोनों से ई ए कॉमन है, ये कॉमन निकाल दिए, एन बी ई प्लस पी बी एच यहाँ पे बच गया। अब देखो बी डी इक्वल टू क्या होता है, म्यू ई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू म्यू ई इंटू ई होता है, ठीक है। यहाँ से देखो कहाँ गया, हाँ ये यहाँ से, ठीक है, बी डी इक्वल टू म्यू ई होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू ई इंटू ई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे ही इसके लिए क्या हो जाएगा, पी इंटू म्यू एच इंटू ई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ई क्या है, कॉमन निकल जाएगा, तो ई ए इक्वल टू एन म्यू ई प्लस पी म्यू एच। पी क्या है यहाँ पे, होल नंबर ऑफ होल्स, मीन्स पी होल के लिए लिया गया है और एन इलेक्ट्रॉन के लिए लिया गया है, ठीक है। समझ आया सबको, विद्युत धारा और गतिशीलता में संबंध, ठीक। अब देखते हैं ओम का नियम, ठीक है। ओम क्या है, जर्मन जर्मनी का एक बहुत बड़ा भौतिक वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम, जिन्होंने क्या किया, विद्युत चालक और उष्मा की जो है उन्होंने तुलना की, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, विद्युत धारा और विभवांतर में एक संबंध बताया। मीन्स उन्होंने जो हम लोग का जो तार चालक, कोई सा भी चालक तार है, ठीक है, तो उसकी तुलना जो है उन्होंने किससे की, उष्मा से की, ठीक है, ताप से की, ठीक। और उन्होंने क्या किया, विद्युत धारा और विभवांतर में एक संबंध बताया, ठीक है। और उस संबंध के हिसाब से उन्होंने ये कहा कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं होती है, भौतिक अवस्था मीन्स ताप या फिर दाब, उसमें अगर परिवर्तन नहीं होती है, ठीक है, तो उसमें जो बहने वाली धारा है, ठीक है, उसके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के धारा के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। मीन्स इसमें ये बोल रहे हैं कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में अगर परिवर्तन नहीं होता है, भौतिक अवस्था बोलने से ताप, ठीक है, अगर ताप में परिवर्तन नहीं होता है तो उसके जो विभवांतर के बीच लगाया गया क्या है, उसमें जो विभवांतर में लग उसमें जो बहने वाली धारा है, सॉरी, उसमें जो बहने वाली धारा है, मीन्स कोई सा भी चालक है, ठीक है, उसके जो अवस्था में परिवर्तन नहीं हो रही है, तो उसमें अगर हम लोग उसकी जो धारा होगी वो वहां पे जो विभवांतर है उसके लगाए गए सिरों के बीच अनुक्रमानुपाती होती है। मीन्स मान लो एक चालक है, ठीक है, इसकी कोई अवस्था में परिवर्तन नहीं हो रही है, ठीक है, तो इसमें जो धारा बह रही है, इसमें जो करंट बह रही है, तो ये जो यहाँ पे जो जो चालक है इसके दोनों सिरों के बीच जो विभवांतर लगा है वो उसके अनुक्रमानुपाती होगी, मीन्स वी इज प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है। समझ आया कि नहीं, कोई सा भी चालक है, ठीक है, उसमें धारा प्रवाहित हो रही है और इसमें कोई परिवर्तन, उसके भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये धारा आई जो है उसके दोनों के बीच, ये दोनों बिंदुओं के बीच जो विभवांतर आएगा, ठीक है, उसके अनुक्रमानुपाती
होगी, ठीक है। तो v इज प्रोपोर्शनल टू, या फिर तो हम लोग यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि यदि किसी चालक का अगर विभवांतर v का मान अगर बढ़ेगा तो यहाँ पे I का भी मान बढ़ेगा, अगर विभवांतर का मान अधिक होगा तो वहां पे धारा का मान भी अधिक होगा, अगर विभवांतर का मान कम होगा तो धारा का मान भी यहाँ पे कम होगा, ठीक। अब भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे अनुक्रमानुपाती को, तो भी इक्वल टू आर आई हो जाएगा, ठीक है। आर जहाँ पे क्या है, एक अनुपातिक नियतांक है, ठीक है। आर इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा, भी अपॉन आई हो जाएगा, जस्ट यहाँ से पक्षांतर कर दिए, ठीक है। अब देखो ओम के नियम की ना कुछ शर्तें हैं, ठीक है। शर्त यह है कि चालक का ताप हमेशा नियत होना चाहिए, ठीक है। अगर चालक का ताप नियत नहीं होगा तो क्या होगा, चालक के ताप का अगर नियत नहीं होगा तो उसका प्रतिरोध का मान भी नियत नहीं रहेगा। आर क्या है, प्रतिरोध है, ठीक है। चालक का मान अगर नियत नहीं होगा तो प्रतिरोध का मान भी नियत नहीं होगा, ठीक है। अब देखो चालक में जो है विकृति भी नहीं होना चाहिए, मीन्स चालक का जो आकार है, क्षेत्रफल है, वो भी नहीं बढ़ना चाहिए। अगर चालक का क्षेत्रफल अगर अधिक होगा तो उस पर प्रतिरोध का मान भी अधिक होगा, ठीक है। अब प्रतिरोध क्या होता है ये आगे देखेंगे, ठीक है। तो ओम का जो नियम है उसका जो है व्युत्क्रम, सॉरी इसके लिए व्यंजक निकालते हैं, ठीक है। ये जो है वी इक्वल टू आर आई जो है उसको निकालते हैं, ठीक। तो अब देखते हैं, मान लो कोई से चालक तार है, उसकी लंबाई क्या है, एल है, ठीक है। उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, ए है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, एन है, और विभवांतर उसमें बी है, ठीक है। तो इस पर विद्युत क्षेत्र क्या होगी, इक्वल टू बी अपॉन एल, ये रिलेशन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। इक्वल टू क्या होता है, बी अपॉन एल, जहां पे एल क्या है, चालक के लंबाई है, और बी क्या है, दोनों सिरों जो चालक की जो विभवांतर है, ठीक है, दो दो बिंदुओं के बीच की जो विभव में अंतर है वो विभवांतर बी है। इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा, बी अपॉन एल, ठीक है। यहाँ पे अगर यदि अनुगमन वेग वी डी होगा तो धारा इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू एन ई ए वी डी। देखो अनुगमन वेग और धारा में संबंध कितना काम है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब देखो वी डी, वी डी क्या है, अनुगमन वेग का परिमाण, ठीक है। अनुगमन वेग का परिमाण वी डी इक्वल टू क्या होता है, ई ई टाउ अपॉन एम, ठीक है। जहाँ पे ई क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ई ए ई क्या है, विद्युत क्षेत्र है, टी क्या है, श्रांति काल है, और एम क्या है, द्रव्यमान है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे वी डी का मान आया, तो आई इक्वल टू यहाँ पे क्या रख देंगे, यहाँ पे वी डी की जगह रख देंगे, तो एन ई ए ई वी टाउ अपॉन एम एल। अब एम एल कहाँ से आ गया, ठीक है, ई इक्वल टू वी एल रखे हैं, तो ई इक्वल टू यहाँ पे क्या रख देंगे, वी अपॉन एल रख देंगे, तो यहाँ पे एम एल हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से ई और ई क्या हो जाएगा, एन ई स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स एन ई का स्क्वायर वी टाउ ए अपॉन एम एल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर बी अपॉन आई निकालते हैं, ठीक है, तो एम एल अपॉन क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, बी अपॉन आई जब निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे आई है, ठीक है, तो बी अपॉन आई निकालेंगे तो एम एल अपॉन एन ई ए स्क्वायर ए टाउ, ठीक है, ये आया, ठीक। अब देखो यदि किसी चालक तार का जो है नियत है, ताप नियत है, तो वहां पे जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, अगर चालक तार का क्या है, ताप नियत है, ठीक है, अगर ताप जो है नियत है, मींस वहां पे होगा प्रतिरोध R इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई ए स्क्वायर ए टाउ होता है, ठीक है। समझ आया कि नहीं, सब चीज क्लियर है। M क्या है, द्रव्यमान है, L क्या है, लंबाई है, N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E क्या है, इलेक्ट्रॉन है, A क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, और टाउ क्या है, श्रांति काल है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से भी आई, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भी आई अपॉन बी अपॉन आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, तो भी इक्वल टू क्या होगा, आई आर हो जाएगा, और यही क्या है, ओम का नियम है, ठीक है। अगर ओम का नियम का हम लोग अगर ग्राफ देखें, ठीक है, यहाँ पे अगर ग्राफ देखते हैं बी और आई के बीच, तो यहाँ पे ऐसा ग्राफ बनने वाला है, ठीक। अगर भी का मान बढ़ेगा तो आई का भी मान बढ़ेगा, ठीक है, और प्रतिरोध का मान क्या होगा, नियत होगा, ये क्या है, आर है, ठीक। समझ आया कि नहीं, अगर भी का मान बढ़ते जाएगा, आई का मान बढ़ते जाएगा, तो प्रतिरोध का मान भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है, ये उसका ग्राफ है, ठीक। अब देखते हैं प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या होता है,
जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम लोग लेते हैं कि रोड पे क्या बना होता है, ब्रेकर बना होता है। ब्रेकर क्यों बना होता है, क्योंकि हम लोग जब जाते रहते हैं तो एक्सीडेंट मत हो करके ब्रेकर लगा रहता है, ठीक है। तो वैसे ही विद्युत धारा उसमें किसी भी चालक में अगर फ्लो होते रहती है तो वहां पे शॉर्ट सर्किट या फिर कोई भी प्रकार की क्षति ना हो, इसके लिए वहां पे क्या लगाते हैं, प्रतिरोध लगाते हैं। तो हम लोग प्रतिरोध को बोल सकते हैं इट अपोजिस द फ्लो ऑफ करेंट, मतलब कि यह विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है, ठीक है, बाधा उत्पन्न करता है, तो उसको बोलते हैं प्रतिरोध। समझ आया कि नहीं? मीन्स जो विद्युत धारा का मार्ग है उसमें जो रुकावट डालता है उसको बोलते हैं प्रतिरोध, ठीक। तो प्रतिरोध को इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी अपॉन आई होता है, और इसका यूनिट जो होता है वो क्या होता है, ओम होता है, ठीक है, क्योंकि इसको ओम ने दिया था, ठीक। अब देखो आर इक्वल टू यहाँ से क्या निकाले हैं, एम एल अपॉन एल ई स्क्वायर ए टाउ, ठीक है। तो यहाँ पे भी हो जाएगा आर इक्वल टू एम एल अपॉन एल ई स्क्वायर ए टाउ। अब ठीक है, अब प्रतिरोध किस किस चीजों पर निर्भर करती है, ठीक है, प्रतिरोध की निर्भरता देखते हैं। तो यहीं से देखो, इसी रिलेशन से तो क्या हो गई, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल, मीन्स अगर चालक का जो तार का जो लंबाई अगर बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर चालक तार का लंबाई अगर कम होगा तो प्रतिरोध का मान भी कम होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से आर इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन ए, ठीक है, अगर कोई सा भी चालक है अगर उसका क्षेत्रफल अधिक होगा तो वहां पे प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर क्षेत्रफल अगर कम होगा तो प्रतिरोध क्या होगा, अधिक होगा, ठीक, इसका जस्ट विपरीत होगा, ठीक। अब देखो आर इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन एन, ठीक है, वन अपॉन एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अगर कोई सा भी चालक है उसमें अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी, ठीक, अधिक होगी मीन्स वहां पे प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। और अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी, ठीक है, चालक का जो आकार है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर कम होगी तो क्या होगा, प्रतिरोध का मान अधिक होगा, ठीक है। समझ आया कि नहीं? थैंक यू।